बच्चों, अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और वो है कि किसी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटना या किसी दिए हुए अनुपात में किसी रेखाखंड की रचना करना। ये जो रचना है उसके लिए हम थेल्स के प्रमेय का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक रेखाखंड AC दिया हुआ है और आपको ये कहा जाता है कि इसे आप निश्चित किसी अनुपात में बांटिए। वो अनुपात 1:2 का हो सकता है, 1:3 का हो सकता है, 2:3 का अनुपात हो सकता है या कोई सा भी अनुपात। मान लीजिए इसको हम 1:3 के अनुपात में बांटना चाहते हैं, यानी इस पूरी लंबाई को हम 3 हिस्सा माने तो इसका एक हिस्सा जहाँ पर होगा वो हमें ढूंढना है। ये यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो यदि इस तरह से हमको रचना करनी है कि इस AC को इस तरह से बांटे कि इसे 3 बराबर हिस्से हो और उसमें से पहले वाले हिस्से वाल को हम प्रदर्शित कर पाएँ, एक ऐसा बिंदु लें जो पहले हिस्से को प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए हम थेल्स के प्रमेय का उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक ऐसा रेखाखंड हम खींचे जो त्रिभुज की किसी एक भुजा के बराबर हो तो ये रेखाखंड शेष 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है, ये आपको पता है। और इसी के आधार पर हम किसी एक खंड का पूरी भुजा के साथ अनुपात भी लेते हैं तो वो भी बराबर होता है। ये भी आपने किया हुआ है इसके पहले वाले अध्याय में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ हम एक त्रिभुज की रचना करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम एक रेखाखंड, ये एक किरण कह लीजिए, एक लंबी किरण हम इस तरह से खींचते हैं और इसके उतने निर्धारित हिस्से करते हैं जितना कुल हिस्सा इसका हम करना चाहते थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि हम इसमें 3 हिस्से में से एक हिस्से को प्रदर्शित करना चाहते हैं या एक ऐसा बिंदु चाहते हैं जो इसको 1:3 के अनुपात में बांटे, यानी AC की लंबाई को 3 बराबर हिस्सों में प्रदर्शित करें और उसमें से एक हिस्सा लें। तो उसके लिए हम यहाँ जो हमने रेखा अलग से जो किरण खींची है उसमें हम 3 बराबर हिस्से लेते हैं। ये मान लीजिए एक हिस्सा यहां प्रदर्शित हुआ, दूसरा यहां प्रदर्शित हुआ और तीसरा यहां प्रदर्शित हुआ। तो यहां तो हमको 3 बराबर खंड नहीं मिले लेकिन यहां पर हम 3 बराबर टुकड़ों की रचना कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए आसान है। अब मान लीजिए इस बिंदु को, मान लीजिए बिंदु ये B है, इसे B आप कहें, तो B और C को यदि हम मिला दें ये BC को हमने मिला दिया, तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पूरी जो भुजा AB है वो 3 बराबर भागों में बटी, यानी इस एक टुकड़े का जो अनुपात है पूरी भुजा के साथ वही अनुपात यहाँ भी हमको मिल सकता है यदि हम यहाँ से होते हुए एक BC के समानांतर एक रेखा यहाँ से बना सके, तो यहाँ जो अनुपात होगा वही अनुपात हमको यहाँ पर भी प्राप्त होगा। अनुपात को आप 2 तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि एक बिंदु है तो इसका इसके साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ मिलने वाले बिंदु का A के साथ और इसके साथ होगा। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका जो अनुपात पूरी भुजा के साथ है वही अनुपात इसका इस पूरी भुजा के साथ होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से होकर एक ऐसी रेखा खींचनी होगी जो आधार BC के समानांतर होगी। तो अभी आपने देखा है कि समानांतर रेखा कैसे खींची जा सकती है, एक दी हुई रेखा के बाहर किसी बिंदु से आपको यहाँ जो कोण बनता है उसे कोण के बराबर की रचना यहाँ पर करनी पड़ती है और उस कोण की रचना करने पर जो दूसरी वाली भुजा मिलती है कोण की वो इस दी हुई भुजा के समानांतर होती है। तो इस गुण का उपयोग आपको करना होगा और इस बिंदु से एक रेखा हमको खींचनी होगी। तो ये हम काम कैसे करते हैं आपको एक बार फिर से हम बता दें कि अगर हम इस बिंदु से, इस बिंदु का हम नाम दे दें, मान लीजिए ABC ये है, इसे हम बिंदु D कह दें और इसे बिंदु E कह दें, तो D से होती हुई एक ऐसी रेखा हमें खींचनी है जो BC के समानांतर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम यहाँ पर एक किसी एक त्रिज्या का हम एक चाप काटते हैं और उसी त्रिज्या का चाप हम यहां से भी काटते हैं और ये जो दूरी है इसे हम नापते हैं और ठीक इसी त्रिज्या का चाप यहां से हम काटते हैं, तो इससे हमें इसके फैलाव के बराबर एक फैलाव यहां पर भी मिलता है। और यदि हम इन दोनों को मिला दें
इन दोनों के यदि हम यहाँ मिलाएं तो ठीक इसके बराबर का कोण यहाँ पर बनता है, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रेखा ए बी है वो एक तिरेक रेखा की तरह दिखाई पड़ती है, और तिरेक रेखा के एक तरफ अगर दो रेखाएं एक जैसा कोण बनाती है तो संगति कोण होते हैं और वो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर इसके एक बराबर कोण की रचना करते हैं तो जो हमें रेखा मिलती है वो इस आधार के समानांतर होती है। उस स्थिति में यह जो अनुपात है ए डी का अनुपात, वही ए डी का अनुपात या तो डी बी के साथ आप लें या ए डी का अनुपात पूरे ए बी के साथ लें, उसी तरह से हमको यहाँ पर भी अनुपात मिल सकता है। मान लीजिए इसको आप बिंदु F कहते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ए डी और डी बी का जो अनुपात है वही अनुपात ए एफ और एफ सी का होगा, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ए डी और ए बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए एफ और ए सी का होगा। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा इस तरह खींची जाए कि शेष दो भुजाओं को काटती हो तो ये जो कटन बिंदु हमको प्राप्त होता है वो उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है। उस बात को हमने यहाँ पर लिखा कि ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए एफ और एफ सी का होगा। इसे हम दूसरी तरह से भी लिखते हैं, हम इस एक टुकड़े का पूरे के साथ अनुपात लिखते हैं तो हमको मिलता है ए डी बटे ए बी पूरी भुजा त्रिभुज की बराबर, दूसरी तरफ के लिए आप लिख सकते हैं ए एफ बटे ये पूरी की पूरी भुजा ए सी। ये बात इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो ये एक तरीका है जिसमें हम थेल्स के प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं और किसी दी हुई भुजा को मन चाहे अनुपात में बांट सकते हैं। तो इस तरीका का उपयोग हम करके आगे की कुछ रचनाएं करेंगे और कुछ उदाहरणों को हल करेंगे।